चलिए ग्वालियर की बात करेंगे, जहां पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर की विधानसभा ग्वालियर। विधानसभा में करोड़ों रुपए के विकास कार्य राज्य सरकार करा रही है। शहर की 3 विधानसभाओं में तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो ऊर्जा मंत्री की विधानसभा पर ही सरकार का विशेष फोकस है, क्योंकि शेष दोनों विधानसभाएं ग्वालियर पूर्व और ग्वालियर दक्षिण में कांग्रेस के विधायक काबिज है। कांग्रेस ने ऊर्जा मंत्री की विधानसभा में विकास कार्यों पर सवाल खड़े किए हैं। आक्रोशित कांग्रेसियों ने आज इसी बात को लेकर धरना प्रदर्शन किया। ग्वालियर विधानसभा से टिकट की दावेदारी कर रहे कांग्रेस महासचिव सुनील शर्मा पिछले लंबे समय से अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ में आक्रोश जता रहे हैं। आज गुरुवार को भी हालांकि आज उन्होंने क्षेत्र की सड़कों की बदहाली को लेकर पीडब्ल्यूडी ऑफिस के नीचे प्रदर्शन किया और धरना दिया। मल्लगढ़ा से और चार शहर के नाटे का जो रोड निर्माण कार्य होना है, काफी समय व्यतीत हो चुका है और निर्माण कार्य अधूरा है, और उसी अधूरे निर्माण कार्य की वजह से कई माता बहनें बच्चे रोज चोटिल हो रहे हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, धूल का गुबार उड़ रहा है। स्थानीय दुकानदारों को यह हालत है कि उनका वहाँ पे बैठना दूभर हो रहा है, लेकिन सदका सत्ता के मद में मस्त ये सत्ता नसीब भाजपा शासन और प्रशासन रोड निर्माण कार्य नहीं कर रहा।